तो जी यहाँ पे मैं अपना निकाल रही हूँ इधर ये दूध इस बर्तन में से जिसमें सुबह दूध वाला दे के जाता है, तो मैं इस वाले में ले लेती हूँ जो मेरे हाथ में है ये डब्बा, और मैं इस भिगोने के अंदर इसको छान के डाल दूँगी उबलने के लिए। तो पहले दूध उबल जाएगा, उसके बाद ही मैं अपनी चाय बनाऊंगी। तो पहले मैं इसको रख देती हूँ आँच के ऊपर, ये उबलता रहेगा। और यहाँ इस बर्तन में मैंने ले लिया है पानी, और इसमें भिगो दूंगी मैं चने वाली दाल, क्योंकि ये सब्ज़ी बनेगी लौकी और चने की दाल की, तो ये मिक्स करके बनाऊंगी मैं इसको। तो थोड़ी देर भीगने के लिए मैं रख देती हूँ। वेलकम बैक माई चैनल। और मैं अभी उठ गई हूँ सो के, मैं नहा भी चुकी हूँ, ऊपर मेरी मशीन लगी है, कपड़े धुल रही है, उधर मैंने किचन में दूध भी रख दिया है उबलने के लिए, दाल भी मैंने भिगोलने के लिए डाल दी है। तो मैं पहले कर लेती हूँ पूजा, और पूजा के बाद बनेगी फिर मेरी चाय, और साथ में ऊपर मशीन का काम भी देखना है, तो मैं आती हूँ बाद में। पर यहाँ इधर मेरी चाय भी देखिए अच्छे तरीके से खोल के बहुत अच्छे से उबाल आ गया है इसमें, और चाय भी मेरी रेडी हो चुकी है। हेलो जी, तो आज मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी मॉर्निंग में, सुबह ही सोचा था पूरा ब्लॉग अच्छे से मैं आज शूट करूँगी, बहुत अच्छे से मैं अपना पूरा ब्लॉग बना लूँगी। लेकिन क्या हुआ, आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द, और फिर मैंने कोई उसके बाद क्या किया, सुबह जितना मैंने शूट किया थोड़ा बहुत ही मैंने किया था, उसके बाद मतलब मशीन लगाई थी सुबह जल्दी उठ के कपड़े धुलने के लिए, वो सारा मैंने कर लिया था काम। बीच में लाइट चली गई, लाइट ने इतना नाटक किया आज, तो मतलब एक बार सुबह जैसे कि कपड़े धुल गए थे, बाद के जो दो कंबल वगैरह थे वो रह गए थे मेरे, अब उसके बाद क्या हुआ, लाइट ही चली गई, लाइट ही नहीं आई, और लाइट भी नहीं थी, और मैंने ऊपर टैंक में पानी भी नहीं भरा था, तो पानी का भी चक्कर हो गया, तो पानी भी ख़त्म हो गया। हालांकि मैंने सारी साफ़ सफाई मेरी सब हो गई, खाना वगैरह कुछ बन गया था सुबह नाश्ते के लिए, नाश्ता बस मैंने किया था और आदि ने किया था, वाणी ने कुछ भी नहीं खाया था। तो आज मतलब काम, मैं क्या बता रही हूँ समझाने की क्या मैं कोशिश कर रही हूँ, मतलब काम टाइम से हो गया था, लेकिन थोड़ा सा ये पानी के चक्कर में और मशीन के चक्कर में लेट हो गया। तो कम से कम 1 बजे करीब मैं फ्री हुई काम से, 1 बजे फ्री हुई हूँ, फिर खाना वाना बनाया बच्चों के लिए, और फिर खाना वगैरह खा के फिर मैं लेट गई, क्योंकि मेरे सर में तो बहुत दर्द, अभी देखो आप आंखें मेरी ऐसी हो रखी है, मैं सोई भी कहाँ थी, मैं ऐसे लेट गई थी मैं बस, क्योंकि मैं लेटती हूँ तो मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, और फिर मेरे आज सर में बहुत दर्द, मेरे रात सर में बहुत दर्द था, कल भी बहुत दर्द था मेरे सर में। तो मैंने कल क्या किया था, मैंने रात को ना एक टैबलेट ली थी, तो उससे तो मेरे को आराम लग गया था, और अभी टाइम हुआ है 4 बजे होंगे, तो अभी मैं उठ गई हूँ, मुझे बहुत रेस्ट हो गया, अभी कपड़े भरे हुए हैं बेड पे, मैं अभी दिखाऊँ आपको, ये देखिए कपड़ों का ढेर, ये पूरा ढेर लगा हुआ है मेरे लिए, तो ये भी मुझे करने हैं। तो पहले मैं कपड़े उठा के रख दूँगी, मतलब पहले चाय बनाऊँगी, एक बढ़िया सी चाय बनाऊँगी, पहले कपड़े उठा के मैं रख दूँगी, जगह पे सब रखने पड़ते हैं, फिर एक बार झाड़ू भी होगी, फिर जो बर्तन होंगे दोपहर को जो खाना वगैरह खाया था वो बर्तन भी मैंने ना ऐसे ही छोड़ दिए थे, फिर ज़्यादा बर्तन नहीं थे तो मैंने वो छोड़ दिए थे, मैंने कहा अब मेरे बस की कुछ भी नहीं है, तो अब मैं फटाफट से अपने काम पर लग जाऊँगी, पहले चाय बनेगी, आदि के लिए दूध बनेगा, ये कपड़े एक जगह पर रखे जाएंगे, और शाम को बनाऊँगी मूली के पराठे, और आज दिन में पराठे खाए, मैं बताऊँ आज दिन में किस चीज़ के, प्लेन पराठे खाए थे, सब्जी तो लौकी की बनी थी, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई थी, लेकिन पराठे बनाए थे, हालांकि रिफाइंड में नहीं बनाए थे, घी से बनाए थे, तो वो तो फिर भी सही हो जाता है, लेकिन रिफाइंड के पराठे दो दो बार तीन तीन बार नहीं चलते, तो मैंने मूली ले रखी है, हालांकि सब्जी सोच रही हूँ तो दाल बना लूँ एक साथ में, या फिर आलू की बनाऊँगी, तो सब्जी ये बनेगी। तो अभी मतलब कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है अभी से ही, अभी स्टार्ट किया है, और आदि आ गया है उधर, आदि को दूध चाहिए, आदि वानी है, तो मैं एक बार जाके पहले चाय बना दूँ, चाय के लिए घूम रही है वानी, मिलती हूँ बाद में। तो ये कुछ सब्जी मैंने ले ली थी, तो इसमें मैंने ये मूली ली थी, बिल्कुल फ्रेश थी, ताज़ा पत्ते थे इसके, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, हरे हरे पत्तेदार सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और ये मैंने लिया था कुछ अदरक टमाटर, और मैंने लिया था उससे क्या बोलते हैं, अदरक टमाटर और ये धनिया और मूली, बस मैंने इतना ही लिया था, तो मैंने कहा कल के लिए बाद में ले लेंगे। तो अब ये सब्जियों को निकाल के मैं अलग रख दूँगी, जो जहाँ पे रखनी है जगह पे रख देती हूँ, तो मूली के तो बनेंगे शाम को पराठे, वो ये बाहर रखी रहेंगी, और ये अदरक मैंने इसमें रख दिया है, और धनिया को मैं इस डब्बे के अंदर
बंद करके फ्रिज में लगा दूंगी, तो ये धनिया ख़राब नहीं होता है। ऐसे करके रख देंगे ना आप तो ये ख़राब नहीं होगा। डब्बे को बंद कर दीजिए, फ्रिज के अंदर रख दीजिए, 3-4 दिन धनिया का बिल्कुल नहीं बिगड़ता है। नहीं तो अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगी तो फिर वो बिल्कुल बेकार पीला पीला सा ख़राब हो जाता है। और यहाँ मेरी बन रही है सब्ज़ी आलू और टमाटर की, तो मूली के पराठे थे, अब खाली पराठे खाए नहीं जाएंगे क्योंकि दही भी नहीं थी, और ऊपर से क्या है चटनी से बच्चे नहीं खाएंगे। मैं तो खा लेती हूँ चटनी से, लेकिन बच्चे नहीं खाते, तो इसीलिए आधी के लिए बनानी पड़ती है। तो आलू टमाटर उसको वैसे भी पसंद है, तो यहाँ फटाफट मैंने देखिए बात करते करते इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। टमाटर गल जाएंगे मेरे थोड़े से इसमें, तो ऊपर से बस अपने मिर्च मसाले भी मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ। मैंने लाल मिर्च डाली है इसके अंदर, थोड़ा धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ी सी डाली है मैंने इसमें हल्दी, और ऊपर से जाएगा नमक बस। और मैं इसमें सौंफ डालना भूल गई थी, पिसी हुई सौंफ, तो मैंने बीच में ऐड कर दी थी। तो और आज मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज थी, आधी प्याज थी, तो प्याज में छोंक रही हूँ इसको, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा ना प्याज में बना के। नहीं तो मैं प्याज में बहुत कम बनाती हूँ, आलू टमाटर तो प्याज में बहुत ही कम। तो आधी प्याज मैंने इसमें डाली है, ये मेरी सब्ज़ी देखिए तैयार हो चुकी है। आलू मैंने इसमें भी डाल दिए हैं, इसको अच्छे से चला लूँगी जिससे सारा मसाला आलू के अंदर मिक्स हो जाए। और बस इसमें थोड़ा सा अभी पानी डाल देंगे, जितनी भी मुझे ये सब्ज़ी पतली रखनी है उतनी तरी वाली बनाऊँगी। तो ये देखिए इसको मिला के छोड़ दूँगी, अब 3-4 सीटी में सब्ज़ी भी मेरी रेडी हो जाएगी। फटाफट मैं उधर आटा वगैरह भी लगा लूँगी, साथ में मैं जो मूली मैंने कस के रख दी है उसको भी मुझे करना है। तो ये देखिए सब्ज़ी भी देखिए अच्छी बनी है सब्ज़ी, कलर अच्छा आया है सब्ज़ी का। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ इसके अंदर, क्योंकि सब्ज़ी में धनिया डालने के बाद उसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। और ये जो मैं मूली थी, मेरे पास 2 ही मूली थी, तो इनको पहले अच्छे से दोनों हाथों से दबा के अच्छे से निचोड़ के मैं अलग सारा पानी जो भी होता है, क्योंकि मैंने इनको कद्दूकस करके और इसके अंदर मैंने फिर नमक डाल के रख दिया था, काफ़ी टाइम रखी रही थी। और ये मैं इसमें निचोड़ के ले आई हूँ। इधर मैंने धनिया डाला है पहले इसके अंदर, और ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूंगी अभी, बस इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और बस थोड़ा सा धनिया अगर डालना चाहें तो बस धनिया, हल्की सी हींग डालूंगी बस। नमक इसमें डालूंगी नहीं, अगर नमक डाल दिया तो फिर ये पानी छोड़ देगी, तो नमक नहीं डालूंगी मैं इसमें यहाँ पे अभी, क्योंकि मैंने आटे के अंदर नमक पहले ही लगा दिया है। तो यहाँ पे बना लेती हूँ मैं फटाफट से अपने पराठे। तो ये देखिए इसको अंदर मैंने ऐसे भर के और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। सबका अपना तरीका होता है फोल्ड करने का, मैं इसी तरीके से ही करती हूँ इसको फोल्ड। मेरे पराठे फटते नहीं हैं बिल्कुल भी, कितनी भी स्टफिंग मैं इसके अंदर ले लूँ लेकिन वो फटेंगे नहीं। बस इनको ऐसे करके और बस ऐसे थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको बेल लीजिए, तो ये मेरे पराठे भी रेडी हो गए हैं इधर। तो आधी ये सब्ज़ी मैंने ठंडी कर दिया बच्चों के लिए, फटाफट मैं इसके लिए पराठे बना रही हूँ। तो ये देखिए पराठा मेरा अच्छे से बेल लिया है मैंने, और इसको अभी हम डाल देते हैं तवे के ऊपर और फटाफट इसे सेक लेते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा भी इधर से हो जाएगा ये, तो फिर इसमें मैं यहाँ पर ऊपर ऑयल या अगर घी से बना रही हूँ, ये मैंने ऑयल से बनाए हैं, और आज सुबह भी पराठे ही बने थे तो वो मैंने घी से बनाए थे। हालांकि बच्चों के लिए वो सिंपल प्लेन पराठे बनाए थे तो वो घी के थे। तो ये इसमें ऐसे बस करके इनको मैं हाथ से अच्छे से इसको सेक लेती हूँ दोनों तरफ से। ये देखिए पराठा मेरा तैयार है, और पराठे बहुत अच्छे बने थे मेरे। ओके बस मेरा अभी काम ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद मैं अपनी ब्लॉग की एंडिंग कर दूँगी, खाना पीना हो जाएगा, बाकी का जो भी थोड़ा बहुत किचन साफ करना होता है वो सब मैं करके ही सोती हूँ। तो बस ये पराठे रेडी हैं,